अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कैद आदम ट्रॉफी के बारे में, जिसमें सेंट्रल पंजाब ने नहायत ही शानदार खेल पेश करके चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम कर ली। दोस्तों इस छोटी सी वीडियो की तफसील से भी आपको आगाह करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आप तमाम प्यारे भाइयों से छोटी सी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही टेरे घंटी के निशान को भी जरूर दबा दीजिए, ताकि दोस्तों वक्त ब वक्त क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट न्यूज आप तक सबसे पहले आसानी से पहुंच सके। दोस्तों 412 का खसारा पाने वाली नॉर्दर्न की टीम ने भरपूर मजहमत करते हुए तमाम विकेट खोकर 405 रन जोड़े। सेंट्रल पंजाब को इनिंग्स और 16 रन से कामयाबी ने चैंपियन बनवा दिया। नाकाम साइड के ओपनर हैदर अली 134 और मिडल ऑर्डर बैट्समैन अली सरफराज 81 और रोहिल नजीर 70 रन बनाने में कामयाब रहे। दोस्तों प्लेयर ऑफ द मैच की बात की जाए तो टूर्नामेंट का अवार्ड जफर गोहर के नाम, इमरान भट्ट बेहतरीन बैट्समैन और नोमान अली बॉलर की ट्रॉफी ले उड़े। फातिहा टीम को ट्रॉफी के हमरा 1 करोड़ की इनामी रकम का चेक पेश किया गया। रनर अप साइड को 50 लाख का कैश अवार्ड भी दिया गया। जी तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्राय मेहरबानी लाइक तो जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय का इजहार जरूर करते जाइए और जाते जाते चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करते जाइए, ताकि आने वाले वक्त में PSL की लाइव नशरियात आप तक सबसे पहले आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।